बचपन से मेरे मन में कभी ख्याल ही नहीं आया मैं हीरो बनूं या विलेन बनूं। एक गधा भगवान की प्रार्थना करता है और इंसान बन जाता है। अब तक आप कितने फिल्में बना चुके हैं, कितने रिलीज हो चुकी हैं? सब्सिडी तो हमें नहीं मिली, लेकिन इसी बहाने हमारे शुक्र बाजार में फिल्म वालों का आना जाना शुरू हुआ। सिर्फ परिवार का ही नहीं, पूरे क्षेत्र का सपोर्ट मिला। आपकी जो है शुरुआत ये फिल्मों तरफ कैसे हो गई? मेरे परिवार में कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था और मेरा भी बस एक शौक था फिल्म बनाने का। फिल्मों में आपको लोगों का विरोध झेलना पड़ रहा है या? ये हर फिल्म में कुछ ना कुछ इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं, कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो आपको याद रह जाती हैं। पढ़ाई की एक उम्र होती है, उस उम्र के बाद आप पढ़ नहीं पाएंगे, बाकी सारे शौक पूरे करने के लिए सब काम करने की उम्र है। फिल्म लाइन भी वैसी ही है, बहुत इनसिक्योर है, इसमें सफलता की कोई गारंटी नहीं है। नमस्कार, हम मौजूद हैं अमेठी जिला में सुगुल बाजार, जो कि फिल्मों के बारे में भी जाना जा रहा है। इनके भोजपुरी फिल्मों के निर्माता भूपेंद्र विजय सिंह जी, जो कि अब हम हमारे बीच में दर्शकों से कुछ अपनी जानकारी देंगे, कुछ शेयर करेंगे। जी भूपेंद्र जी, आपका हमारे चैनल न्यूज़ टाइम नेशन में स्वागत है। हम ये जानना चाहेंगे कि आपके, सबसे पहले मैं बैकग्राउंड ही जानना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आपके परिवार में कोई भी फिल्मों से जुड़ा हुआ आदमी नहीं था। व्यवसाय और राजनीति दो तो है, लेकिन फिल्मों तरफ नहीं था। तो आपका रुझान, आपकी जो है शुरुआत ये फिल्मों तरफ कैसे हो गई? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत कि आपने हमें इस योग्य समझा और आप शुक्र गुजार आए। आपने सही कहा, मेरा बैकग्राउंड, हम लोग जमींदार परिवार से हैं, फिर जमींदारी खत्म हुई, व्यापार में आ गए, समाज सेवा, राजनीति। मेरे परिवार में कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था और मेरा भी बस एक शौक था फिल्म बनाने का। तो कड़ी से कड़ी जुटती गई और पहली फिल्म बन गई। पहली फिल्म से शौक पूरा हो गया, लेकिन साथ ही साथ आमदनी भी हो गई, मज़ा भी आया कि हाँ अगली फिल्म बनाए। पहली फिल्म पूरी मुंबई में ही शूट हुई थी, उसके बाद हम लोगों ने यूपी का रुख किया, क्योंकि यहाँ सरकार सब्सिडी दे रही थी। सब्सिडी तो हमें नहीं मिली, लेकिन इसी बहाने हमारे शुक्र बाजार में फिल्म वालों का आना जाना शुरू हुआ। तमाम यहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार मिला, कुछ हमारे यार दोस्तों के शौक पूरे हो गए एक्टिंग करने के, तो बस वहीं से वो सिलसिला चल गया और चल रहा है, जब तक चल रहा है चलता रहेगा, जब तक शौक है हमारा। फिल्मों में आपको लोगों का विरोध झेलना पड़ रहा है या सपोर्ट मिला आपके परिवार से लेकर? मैं क्षेत्र वालों की बात करना चाहूँगा। नहीं, विरोध तो किसी का नहीं हुआ, सबका सपोर्ट ही मिला, और सिर्फ परिवार का ही नहीं, पूरे क्षेत्र का सपोर्ट मिला। हम लोगों की फिल्मों की शूटिंग होती है तो लोग बड़े आनंदित होते हैं और अपने घर के दरवाजे खोल देते हैं। हम लोग जहाँ मन होता है वहाँ शूटिंग कर लेते हैं, जिसके मन में हुआ वहाँ चले जाते हैं, तो कहीं से कोई विरोध नहीं है। बस ये है कि इस बहाने अपने क्षेत्र में फिल्मों को लेकर एक जागृति आ गई, फिल्म को एक रोजगार की तरह लोग देखने लगते हैं। अब तक आप कितने फिल्में बना चुके हैं, कितने रिलीज हो चुकी हैं? मेरी लगभग 12-14 फिल्में बन चुकी हैं और कुछ फाइनेंस भी करते हैं, तो 3-4 अभी रिलीज के लिए कोरोना की वजह से अटकी पड़ी हैं, और कोरोना की वजह से ही समय शूटिंग वगैरह बंद है 2 साल से। ये अब कोविड निपट गया है, लॉकडाउन खत्म हो गया है, पीछे का जो बैकलॉग है वो एक बार निपट जाए, सब रास्ता क्लियर हो जाए, फिर हम लोग नया शुरू करेंगे। आपकी जो हिट फिल्में हैं, कुछ फिल्में हिट आई हैं, उनमें कौन कौन सी फिल्में सिर्फ हिट की? देखिए, हिट अगर बॉक्स ऑफिस के हिसाब से, कलेक्शन के हिसाब से बात करेंगे, सबसे बड़ी हिट थी गदर, फिर एक करेंगे तो हमारी फिल्म थी विधायक की, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। वो एक नाटक पर आधारित कहानी है, जिसमें एक गधा भगवान की प्रार्थना करता है और इंसान बन जाता है, और इंसान के रूप में आने के बाद जब वो इंसानों को होने वाली दिक्कतें महसूस करता है, तो फिर भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान, मैं गधा ही ठीक था, इंसान नहीं ठीक, मुझे फिर से गधा बना दो। वो फिल्म मुझे पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी। हम ये जानना चाहेंगे कि ये 10-12 फिल्मों में कुछ चीज़ें ऐसे, कुछ आपके पास पलाई से आए होंगे जिसे आप शेयर करना चाहेंगे, जो कि फिल्मों के से बाहर रहे होंगे, जो आपके व्यक्तिगत रहे होंगे। देखिए, हर फिल्म में कुछ ना कुछ इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं, कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो आपको याद रह जाती हैं, कुछ बताई जाती हैं, कुछ नहीं बताई जाती हैं, तो हमारी भी लगभग हर फिल्म में कुछ ना कुछ ऐसी घटना थी। अब इसी फिल्म में जिसका मैंने जिक्र किया, विधायक की, इसमें होता यह है कि गधा जब इंसान बनता है तो गधे को कपड़े पहनते नहीं हैं, तो गधे के रूप से हमारे हीरो का जब रूप आता है, तो उसमें सीन ये था कि उनको जब मंदिर से बाहर निकलेगा तो उसको इधर उधर कपड़े जो फैले हैं घरों के बाहर वो उठाने हैं और भागना है, तो हीरो कुछ कंफ्यूजन हो गया, जो शूटिंग वाले कपड़े टंगे थे उसके बजाय उन्होंने गांव में किसी और के कपड़े उठा लिए,
और लेके भागा और पीछे से असली पब्लिक ने उसको दौड़ा लिया। उसने समझा कोई चोर आया, मेरे कपड़े लेके भागा जा रहा है। तो इस तरह के कुछ हंसी मजाक वाले वाक्य हुआ करते हैं। क्योंकि आप युवा हैं, फिल्मों से जुड़े हुए हैं, हम भी जानना चाहेंगे कि आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे फिल्मों की जो है और वो जो है रुख करना जो, क्योंकि जो है बचपन से ही जब फिल्में देखने रहते हैं युवाओं के, ये सोच होती है कि वो भी एक हीरो बन जाए। ये हीरो या विलन या हीरोइन इतने ही तक ही सीमित रहते हैं कितना बन जाए। तो लेकिन फिल्मों में जैसे कि आप निर्माता हैं, आप ना तो हीरो हैं ना विलन हैं, तो ऐसे कौन कौन सी ऐसी संभावनाएं हैं जिसपे आप चाहेंगे कि युवा जो है आगे बढ़े। लेकिन मेरी जहाँ तक बात है, बचपन से मेरे मन में कभी ख्याल ही नहीं आया मैं हीरो बनूँ या विलन बनूँ। मेरा यही था कि प्रोड्यूसर बनूँ, मैं फिल्म बनाऊँ। कभी भी नहीं जानता था प्रोड्यूसर क्या होता है। बाकी युवाओं के लिए मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि आप पढ़ाई पर फोकस करिए। पढ़ाई का कोई विकल्प इस दुनिया में नहीं है। पढ़ाई की एक उम्र होती है, उस उम्र के बाद आप पढ़ नहीं पाएंगे। बाकी सारे शौक पूरे करने के लिए, सब काम करने के लिए उम्र है। पढ़ लिख कर आप जो भी काम करेंगे वो पहले से बेहतर करेंगे एक अनपढ़ आदमी के मुकाबले। फिल्म लाइन भी वैसी ही है, बहुत इनसिक्योर है, इसमें सफलता की कोई गारंटी नहीं है। तो आप एक बार अपनी पढ़ाई पूरी कर लीजिए, फिर अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो इसकी भी पढ़ाई की जाती है। फिल्म इंस्टीट्यूट्स होते हैं, आप वहाँ से पढ़ाई करिए, इस विद्या को सीखिए और उसके बाद इसमें स्ट्रगल करिए। और उसमें ये मान के चलिए कि एक दो साल आपको लगेगा, एक दो साल के बाद ज़रूरी नहीं हर आदमी हीरो बने हीरोइन बने। इसमें और तमाम विधाएँ होती हैं, आप कैमरामैन बन सकते हैं, मेकअप मैन बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं। तो बहुत सा स्कोप है इसमें, लेकिन सबसे ज़रूरी है आपकी पढ़ाई, अपनी पढ़ाई पूरी करिए, उसके बाद इधर कोशिश करिए। जैसा कि आपने बताया कोरोना काल में एक जो है उसके बाद से फिल्मों का जो है एकदम से गाड़ी रुक गई है, ऐसे में क्या संभावना लग रही है आपको कि क्या क्या होने वाले आगे भविष्य क्या है? देखिए भविष्य तो है, जब तक संसार है तब तक मनोरंजन चलेगा। सिनेमा भी मनोरंजन का ही एक साधन है, चलता रहेगा। इसका स्वरूप बदलता है, प्रारूप बदलता है। पहले एक समय था याद करिए बायोस्कोप वगैरह चलते थे, फिर सिनेमा हॉल आए, फिर VCR आया, सिनेमा हॉल बंद हुए, फिर VCR बंद हो गया, सिनेमा हॉल वापस आ गए। वैसे ही अब इस समय नया VCR मैं कहता हूँ मोबाइल फ़ोन को। आपके जेब में आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, अधिकतर लोग उसी पर अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। ये भी कुछ दिन का है, एक दो साल बाद फिर वापस लोग सिनेमा की तरफ लौटने लगेंगे। हम लोगों को ये ज़रूरत है कि हम बदलते हुए समय के साथ, बदलते ट्रेंड के साथ चलने की कोशिश करें। भोजपुरी इंडस्ट्री इस मामले में थोड़ी पीछे है, अभी हम लोग इस नए ट्रेंड को नहीं पकड़ पा रहे हैं मोबाइल वाले। समय के साथ हम भी इसको पकड़ लेंगे और जैसा कि भूपेंद्र जी ने हमारे साथ अच्छी अच्छी बातें फिल्मों के शेयर की और लोगों को बताया, युवाओं को संदेश दिया। अमेठी से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए मोहम्मद तौफीक। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।